दोस्तों मैंने तो ये दिखाया ही नहीं, ये भी बहुत खूबसूरत है। वो देखिए ऊपर में, अभी तक ये सब सीन बाण गंगा को लेके बहुत कम ही देखा था मैंने। साईदा मंदिर ये यहाँ अच्छा है, यहाँ पे बैठ जाओगे आराम से नहा लोगे। मेरी माता जी वहाँ बैठी है, सब देख रहे होंगे लोग, नजर आए तो ध्यान दीजिए, देखिए वहाँ पे हैं तीनों लोग। मैं काफी नीचे चला आया था एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। ये कितना कंचन पानी, साफ सुथरा पानियों की धारा। जय मैया, जय माता दी। पानी बहुत ठंडा है, इसमें कुछ और धारा होती तो और ज्यादा अच्छा लगता। लग रहा है कि मेरा पैर जो है एकदम जमा जा रहा है, बड़ी फील है पानी से। पानी कितना ठंडा है, बहुत ठंडा है, लग रहा है पैर जम गया है। आप धो लीजिए पैर, वाह। हेलो दोस्तों, रंजीत शिव व्लॉग में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग पर। दोस्तों माँ वैष्णो देवी की यात्रा में हमने लास्ट व्लॉग एंड किया था अपने बाणगंगा के पास। बाणगंगा से फिर ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जो पूरा चलेगा बाणगंगा की डिटेल के बारे में बात करते हुए। दोस्तों रास्ते में बहुत सारे ऐसे शॉप थे, जैसे ही बाणगंगा से आप चढ़ना शुरू कीजिएगा रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें आपको मिलेंगी जो आपको बहुत सुंदर लगेगा। एक से एक फ़ोटो की दुकानें हैं खिंचवाने की, अगर आपको मन है तो आप उसमें जाके फ़ोटो क्लिक करवा भी सकते हैं। कई तरह के डिज़ाइनिंग, माता वैष्णो देवी की बनी हुई प्रतिमा, फल बहुत सारे चीज़ थे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से अब हमारी एंट्री होती है, यानी यही जो कहा जाता है कि मेन द्वार होता है माता वैष्णो रानी के भवन तक जाने का। दोस्तों थोड़ी लास्ट व्लॉग के बारे में अगर आपको जानकारी दूँ तो हमने चेक पॉइंट से एंट्री कर लिया था, जो फर्स्ट किंग पॉइंट था, वहाँ पे हम लोग के सारे सामान चेक होने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग गुलशन कुमार जी का लंगर चखते हैं। दोस्तों भव्य प्रसाद था वो, अगर जब भी आप वैष्णो देवी की यात्रा करो तो ज़रूर उस प्रसाद को ग्रहण करो, वो प्रसाद बहुत ही बेहतर है। इट्स मीन वहाँ के मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के टोटल खाने से अगर बात कंपेयर किया जाए तो गुलशन कुमार जी का लंगर वाओ। ये बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य था। दोस्तों मोरी मैया धीरे धीरे चल रही हैं माता रानी का नाम लेते हुए। जय माता दी, एक बार आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए, बोल जयकारा शेरोवाली दा, साचे दरबार की जय। इधर से भी कुछ रास्ते बनाए जा रहे। दोस्तों मैं पूर्ण यात्रा भर यही देखते रहा कि वहाँ पे काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, यानी बहुत अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। जहाँ पे टूटे फूटे रोड हैं उसको भी तैयार किया जा रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक ट्रैक्टर जो है वो जा रहा था, यानी एनी टाइम आवागमन जो है हो ही रहा है गाड़ियों का, सब चीज़ का। गर्मी लग रहा है, धीरे 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 चलिए। दोस्तों थोड़ा सा मैं बाणगंगा और जो बाथिंग घाट अभी आपने देखा लिखा हुआ उसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि मैं यात्रा करने से पहले बहुत सारे वीडियोस को देखा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे, जैसे बाथिंग घाट एक जो था वो बहुत अच्छा प्लेस था। तो मैं फर्स्ट टाइम जब बाणगंगा के ऊपर जैसे नीचे गया उसको भी मैंने देखा था, वहाँ का दृश्य भी मैंने देखा था। शायद दोस्तों मैं ना इसी के बारे में देखा होगा, ये बाथिंग घाट है, खूबसूरत लग रहा है ना।
यहाँ से शायद बाणगणन गंगा जा रही है और नीचे की तरफ होते हुए फिर वहाँ पे वो मिल जाती है। लेकिन एक बहुत ही बेहतर एरिया था जहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे, पानी वानी बहुत तेज़ी से गिर रहा था, तो वो जो चीज़ था ना वो मुझे मिसिंग लगी। ये सेकेंड टाइम भी मैं जो यहाँ पे आया मुझे वो चीज़ मिसिंग लगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ शायद मुझे ऐसा शक हुआ कि यही है, लेकिन ये नहीं था। मैंने ये भी कवर कर दिया, मुझे लगा कि ये बाण गंगा की तरफ है। बैठ जाइए आप। दोस्तों यहाँ पर सालों भर काम होते रहते हैं, क्योंकि ये जो है ये भूस्खलन एरिया होता है जहाँ पर हमेशा पहाड़ टूट टूट के गिरते रहते हैं। मैंने कुछ सीन को कवर करने की कोशिश की, देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप थक जाते हो, रेस्ट करने लगते हो, तब बहुत ऐसे सीन को देखते हो कि जिससे आपको दिल खुश हो जाता है और फिर से आप एनर्जेटिक हो जाते हो एकदम। फाइनली दोस्तों जिसको मैं इतने देर से ढूंढ रहा था वो मिला यहाँ पे। जिस बाथिंग घाट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वो बाथिंग घाट है। इसकी खूबसूरती और इसका पानी और जो मैं बात कर रहा था कि एक स्विमिंग पूल के जैसा जो है वो कंप्लीट यहीं पे मिला। मैं बहुत खुश वहीं से देखे, मुझे लगा कि वहाँ पे होगा जो फर्स्ट टाइम मैंने बाणगंगा के बारे में आपको बताया। लेकिन दोस्तों वो तो है ही है, लेकिन इसका जो बात है ना बस यार थम जाता है। मैंने सोचा था कि मैं रिटर्निंग होते समय आऊँगा, लेकिन रिटर्निंग होते होते रात हो गई और मैं नीचे उतर गया, मुझे ये पता भी नहीं चला। इसकी खूबसूरती जो है ना, ये तो बाथिंग घाट है ही है, साथ में इसमें रहने वाली मछलियाँ, मैंने मछलियों को कवर किया है, आप बस देखो और बस देखते ही रह जाओगे, इतना खूबसूरत सा नज़ारा है। जयकारा शेरो वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मैया के द्वारे इतने खूबसूरत खूबसूरत दृश्य देख के मन भा जाता है। आखिर जो दृश्य के बारे में मैं बात कर रहा था वो आ गया, देखिए कितना बेहतरीन सा नज़ारा है ना, कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ और कितनी बड़ी बड़ी, इसको बोलते हैं साफ पानी में ये साफ मछलियाँ, ये पानी पीने के लायक है। लोग इसमें नहा भी रहे लेकिन फिर भी अगर ये मछली है इस पानी में, इसका मतलब ये जीवनदायिनी पानी है। और फिश, वाव यार वाव, इसकी बात ही गजब की थी, निराली थी। आखिर भैया इस जगह पे एक सेल्फी तो बनती है जरूर। तो दोस्तों ये सेल्फी मेरी मैया के साथ में और मेरे फैमिली के साथ में कम्प्लीटली यहाँ का नज़ारा देखते हुए, लेते हुए इस सीन को, इस पल को याद करते हुए कि हमेशा ज़िंदगी भर ये पल याद रहे।
दोस्तों चलते चलते रास्ते में माँ भगवती दर्शन इच्छा पूर्ण मंदिर हमें मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ होता है जिसके आगे आपको दो शेर देख रहे हो जैसे मिलेंगे, फिर अंदर में ये बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, रात के समय में और खूबसूरत लगता है। हम लोग रिटर्न होते समय में ये सारे मंदिर का दर्शन करते हुए जाते हैं अच्छे से। ये जो अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ शायद यही अर्धकुमारी है। यहाँ तक पहुँचने में हम लोगों को रात हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को जैसा पता है कि हमने चढ़ाई शुरू की थी वही 12:30 के करीब से, और फिर उसके बाद चढ़ते चढ़ते हम लोग को लगभग 6 घंटा लगता है, 6 से 7 घंटे अर्धकुमारी तक चढ़ने में, क्योंकि हमें अपने पैरों से नहीं माता जी के पैरों से चलना होता है। और देखिए इसी तरीके से माता जी रुक रुक के थम थम के चल रही थी। हाँ देख ली एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई। मम्मी तो वहाँ बैठी है बेटा, मम्मी वहाँ ऊपर में बैठी है, वो मम्मी का पास ना चतुराल है, चरण पादुका आने वाला है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा खड़ा चढ़ाई ना यहाँ वाला। अभी तक मैं माता के चरण में आ रहा हूँ, अभी तक मैं सबसे ज्यादा खड़ा चढ़ाई यही पे माता के चरण में। अभी याद है ना अर्ध कुमारी याद है, अभी चरण पादुका मेल है। लेकिन रास्ते में हर एक चीज़ की वो सुविधाएं मिलती है जो आपको चाहिए, जैसे दुकान तो चारों ओर होते ही होते हैं जैसा आप देख रहे हो, पानी वानी की भी व्यवस्था है, बैठने की भी व्यवस्था है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही है। एंड फाइनली दोस्तों चलते चलते हम लोग सबसे प्रथम दर्शन मंदिर पहुँचते हैं, माँ चरण पादुका मंदिर। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले जब माँ यहाँ से गुजर रही थी तो यहीं पर रुककर भैरव बाबा को पीछे मुड़कर देखती हैं, और इसके वजह से माँ के पैरों का छाप यहाँ पर पड़ जाता है। मेरी माता जी तो एकदम आगे आगे भागी जा रही थी, शायद उन्हें ये पता नहीं था, लेकिन मैंने फिर आवाज़ देके उन्हें रोका और कहा कि चलिए अंदर दर्शन करते हैं। और यहाँ रुककर हम लोग पहले अच्छे से दर्शन करते हैं, तब फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। आधा ओकरा तू खिला दे, तू खिला दे।
गौ पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अभी तक का सफ़र बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। रंजेश्री व्लॉग को इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए बहुत जल्द मिलते हैं। आपका प्यार इसी तरीके से मिलते रहे, बस इसी कामना है। बाय बाय।